अस्सलाम वालेकुम जी, आज आपने कि मैंने जा रहे एक और वैरायटी चिकन और चावलूम, इसका नाम है स्पाइसी चिकन एंड वेज राइस। ये बहुत मज़ेदार बनता है, साथ में इसकी एक सॉस बनती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किसी किसे बनती है। सबसे पहले जो है हमने इसमें जो इस्तेमाल करना है वो है बोनलेस चिकन। ये मेरे पास 1 kg बोनलेस चिकन है, इसको आपने तकरीबन 1 inch के टुकड़े में कटवा लेना, ठीक है। इसकी मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए होगा सिरका 3 tablespoons, हल्दी इसमें जाएगी 1/2 teaspoon, पिसी हुई लाल मिर्चें 2 teaspoons भरकर हैं, पिसी हुई काली मिर्च आपको चाहिए 1.5 teaspoon भरकर, पेपरिका पाउडर आपको चाहिए 2 teaspoon, यहाँ पर ज़ीरा पाउडर आपको चाहिए 2 teaspoon भरकर, नमक इसमें जाएगा 1 teaspoon, ठीक है। ये चीज़ें होगी चिकन को मैरिनेट करने के लिए। उसके बाद जो इसमें हम वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जियां जो हैं वो गाजर है मेरे पास 2 cup, आपने छील करके इसको कद्दूकश कर लेना है, तो ये 2 cup हो गए भरकर गाजर। देखिए सब्जियां चिकन जितनी ज़्यादा आप करना चाहते हैं उसके मुताबिक ही आप जो है मसालों को भी ऊपर नीचे कर लेते हो। तो उसके बाद इसमें 3 color की शिमला मिर्च मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ी सी बड़े साइज़ की थी, उसके सीड्स रिमूव कर दें और उसको आपने जो है इसी कैसे क्यूब्स में छोटे छोटे चॉप कर लेना है। तो 3 color वो हो गए। उसके बाद आपको चाहिए बंद गोभी 2 cup भर कर चाहिए, इसी के से आप उसको ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा आपने इसको जूलियन तरीके से काट लेना है। उसके बाद आपको चाहिए सब्जियों के लिए हमें चाहिए होगा नमक दोबारा 1 teaspoon लेवल्ड, ज़ीरा पाउडर 1 teaspoon लेवल्ड, पिसी हुई काली मिर्च 1/2 teaspoon, पेपरिका पाउडर 1/2 teaspoon, ठीक है। ये होगी सब्जियां और उसके साथ जो मसाले जाएंगे। उसके बाद चावल आपको चाहिए यहाँ पर 1 kilo के साथ में, 1 kilo चावल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो या फिर 850 कर ले, मैं 850 ग्राम कर रही हूँ। ये चावल है, इसको उबालने के लिए आपको चाहिए होगा सिरका या लेमन जूस इस्तेमाल कर लें, उससे होता है कि चावल आपके बड़े सफ़ेद से बनते हैं और फुले फुले खिले हुए बनते हैं। 2 tablespoons वो हो गया, नमक इसमें जाएगा 1.5 tablespoons भरकर, तेल इसमें जाएगा 3 tablespoons और खुले पानी में इसको बॉईल कर लें। लिंक आपको मैं दे दूंगी वीडियो में जिसमें मैंने चावल आपको बॉईल करने सिखाए हुए हैं। उसके बाद इसमें हमें चाहिए प्याज इसके लिए, तो 1 बहुत ही बड़े साइज की प्याज ली और ऑमलेट की तरह उसको चॉप कर लिया। हरी मिर्चें तीखी वाली इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसमें, मैंने इसमें कोई 7-8 ली है और उसको इसी से चॉप कर लिया है। लहसुन इसमें सिर्फ जाएगा फ्रेश, इसको कूट लीजिएगा अच्छे से, पीस लें, चॉप भी करके डाल सकते हैं लेकिन पिसा हुआ ज़रा अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो ये इसमें मैं डाल रही हूँ 2 tablespoons, तेल में इसको बनाएं घी में वो आपकी अपनी चॉइस है, मैं इसको तेल में बनाऊँगी, तकरीबन 1/2 cup जितना तेल होगा, ठीक है। तो चावलों को सबसे पहले मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा देती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। तो देख लें, इसमें मैंने पानी खुला रखा हुआ है, चावल, नमक, लेमन जूस और तेल डाल दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये देख लें, जैसे ही चावल उबल जाएंगे आपने इनको उबाल कर इनको छान लेना और एक साइड पर रख लेना है। 80% हमने इसको बॉईल करना है, वो आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें डालेंगे सिरका, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, पिसी हुई काली मिर्च, लेकिन नमक और मिर्चें हमेशा अपने जायके के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है। पेपरिका पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ठीक है। सिंपल से मसाले हैं, इन्हें डाल करके अच्छे से मिक्स कर लें और कवर करके इसको आप छोड़ देंगे तकरीबन 1/2 घंटे के लिए। और उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब जो आपने इसकी सॉस बनानी है उसके लिए आपको चाहिए मेयोनीज, फुल फैट ले लें, लाइट, लो, आपकी चॉइस है। मैं फुल फैट यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ कि बच्चों ने खाना, सो दैट्स फाइन, भाग दौड़ कर हजम कर लेते हैं सब चीज़। तो ये मेरे पास 1 cup भरकर है। दही आपको चाहिए, थोड़ी सी गाढ़ी वाली इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़रा इसका अच्छा जायका आता है, वरना फिर बहुत खट्टी खट्टी बन जाती है। तो ये ग्रीक योगर्ट है मेरे पास 1.5 cup है, इसमें पिसी हुई काली मिर्च जाएंगी 1 teaspoon, नमक जाएगा 1/2 teaspoon लेवल्ड है, चीनी इसमें जाएगी 1 tablespoon, पार्सले बीच में डालेंगे 1 tablespoon ड्राई है, अगर पार्सले नहीं है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हो, सिरका बीच में जाएगा इसमें 1 tablespoon। इसको बनाने के लिए सिंपली दही में हम डाल देंगे जो तमाम यहाँ पर हमारे पास मेयोनीज़ है, उसके बाद बीच में आप डालोगे सिरका, पार्सली ज़रा थोड़ा सा मसल के डालिएगा, पिसी हुई काली मिर्च, नमक और चीनी।
तो हम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स कर लेने के बाद उसको आप फ्रिज में रख दें और जब हम चावलों को डिश आउट करेंगे उसके साथ में आप इस चटनी को सर्व करते हैं। ठीक है, अब आपने तेल यहाँ पर गरम कर लेना है, उसमें आप ऐड करोगे जो कि प्याज है और आपने इसको यहाँ पे फिर फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, प्याज यहाँ पे नरम होगी, इसमें आप ऐड करेंगे लहसुन पेस्ट जो है और इसे भी आपने यहाँ पे जो हाई फ्लेम पर सिर्फ एक मिनट फ्राई करना है। लहसुन को एक मिनट फ्राई कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि मैरिनेटेड चिकन है, इसे मिक्स करें और यहाँ पे हाई फ्लेम पर कितना फ्राई करें इसका कलर देखेंगे पिंक से वाइट की तरफ आता है और फिर उसमें प्याज आता है आपको दिखाते हैं। इस स्टेज पर आप नमक और मिर्चें दोबारा चेक कर लें, अगर आपको और स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें और डाल सकते हैं क्योंकि इस स्टेप के बाद आप आगे जो है लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली फिर वो कच्ची रह जाएंगी। तो ये इसमें आप डालेंगे एक कप जितना पानी, इसे कवर कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पर रखकर इसको कुक कर लेते हैं कि चिकन अच्छी सी टेंडर हो जाए और जो भी पानी चिकन छोड़ेगी और हमने डाला है वो तमाम खुश्क होकर सरफेस पर आ जाएगा। तेल तो देखेंगे, तेल आ रहा है सरफेस पर। ठीक है, और चिकन भी हमारी चीज़ से टेंडर होगी। अब इसमें आप ऐड करोगे हरी मिर्चें और ये तमाम सब्जियां डालेंगे और इसको ज़रा पहले मिक्स कर लें। फ्लेम आपने अब जो है हाई पर ही रखनी है, लो मत कीजिएगा, वो इसलिए क्योंकि फिर जो सब्जियां पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। चिकन हमने इसलिए पहले से ही कुक कर लिया था। ठीक है, तो फ्लेम यहाँ पर हाई पर रखेंगे और यहाँ पर जो हमने थोड़ा सा अलग से मसाला रखा हुआ था वो डाल देंगे ताकि सब्जियों के लिए भी इक्वल हो जाए। तो काली मिर्चें, नमक, थोड़ी सी हल्दी, ज़ीरा पाउडर, पेपरिका पाउडर, ठीक है, ये तमाम चीज़ें डाल लें और इसको मिक्स करें। हाई फ्लेम पर इसको आपने टॉस करना है सब्जियों को चिकन के साथ में और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। इसको क्या खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, यहाँ पर जो आप देख लें तेल दोबारा सरफेस पर आ गया क्योंकि मैंने फ्लेम हाई पर रखी थी। अब इसमें आप ऐड कर लेंगे जो कि हमारे बॉइल्ड राइस है, इसे डालें पहले भी। चावलों को डालकर आपने यहाँ पर इसको बहुत ही हल्के हाथों से चावलों को और चिकन के मिक्सचर को ये देखें इस तरह मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद क्योंकि ये 80% बॉयल हुए हैं, बाकी के 20 जो दम में हो जाएंगे इसको जो है अब आप दम दे दीजिएगा। पहले हाई फ्लेम पर रख लें 2-4 मिनट के लिए, उसके बाद इसको बिल्कुल धीमी आंच पर रखकर ऊपर ढक्कन डाल करके रोटी का जार या कुछ ऊपर रखकर इसको दम दे दें तकरीबन 12 से 15 मिनट और फिर इसको करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हो सर्व कीजिएगा। इसकी जो स्पेशल चटनी हमने बनाई है बहुत ही मज़ेदार उसका कॉम्बिनेशन होता है। चटनी थोड़ी सी मीठी नमकीन होती है और जो चावल हैं थोड़े से स्पाइसी और नमकीन होते हैं। तो रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर विच इज़ कुक विद फायज़ा .net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा आप ताकि कैसा लगा दुआ में याद रखें। And thank you for watching the video. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।